दोस्तों वंस अगेन स्वागत है श्री मोटर्स के आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आप गाड़ी ढूंढ रहे हैं और बहुत अच्छी चाहिए और बहुत लग्जरियस व्हीकल चाहिए, तो हाँ आज मैं लेके आया हूँ स्कोडा ऑक्टिवा। यस, कौन सी लाऊं? स्कोडा ऑक्टिवा, वो भी कौन सा मॉडल? 14 मॉडल है और 15 में पासिंग है। अब इसके ऑक्टिवा बारे में आप सब जानते हैं कि 2.0 लीटर का इंजन मिलने वाला है आपको इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है? फर्स्ट देखेंगे इसके प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाएंगे आपको, नीचे फॉग लैंप भी मिल जाएंगे और फिर ये वाशर भी मिल जाएगा आपको हेडलाइट का। और ग्रिल देख सकते, पूरा ब्लैक में देख रखिए ग्रिल से, यहाँ से लास्ट तक देखो। और बैजिंग देखेंगे स्कोडा की, बैजिंग बहुत अच्छी लगती है स्कोडा अपने आप में एक गाड़ी है। और सबसे मजबूत में जानी जाती है ना इसका, बहुत बोलते हैं ना जो ग्लोबल एनकर रेटिंग होती है 5 स्टार होती है ना, क्या बोलते हैं आप चलते स्पीड चल रहे हैं कुछ इंपैक्ट भी होता है तो आपके जो सेफेस्ट पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा है बचने के, ठीक है सर। और सबसे देखेंगे टायर साइज़ भी देखेंगे, टायर कंडीशन भी आपको अच्छे मिलने वाले, गुड़ियर के टायर मिल जाएंगे इसके अंदर को। देखते ये जो 16 इंच के टायर मिलेंगे विद अलॉय व्हील, क्योंकि टॉप एंड मॉडल है एलिगेंस मॉडल, तो जो फीचर आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। और गाड़ी कंडीशन दे सकते हैं, देखिए शुरू से लास्ट से दे सकते हैं, कहीं भी आपको इसके ढूंढने से नहीं मिलने वाला है, गाड़ी कंडीशन बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे पीछे बैक व्यू की बात करेंगे। अब इसमें बैक व्यू दे सकते हैं, इसकी पीछे डिक्की देख सकते हैं इसको, आपको बैजिंग मिल जाएगा स्कोडा का। और ये देखिए स्कोडा का यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, ऑक्टिवा का भी बैजिंग मिल जाएगा, गाड़ी कंडीशन बताओ। इसमें देखेंगे बूट स्पेस बहुत बड़ा मिलने वाला है, कितना बहुत बड़ा, तो मैं आपको खोल के इसका दिखाता हूँ जो बूट स्पेस। देखिए ये देखिए, यह ना आप भर भर के एक नहीं दो नहीं तीन नहीं यानी बहुत सारा सामान इसमें ले जाए, कहीं भी आप लंबे टूर पे जा सकते हैं। और उसकी रिलेटिव तो आप जानते हो कैसी है, बहुत बड़ी। और खुलती है देखिए कितना साइज़ में, बहुत बड़ी खुलती है देखिए ना आपको। चलो आगे हम बढ़ेंगे, अब बात कर ली हमने राइट साइड प्रोफाइल की, अब बात करेंगे लेफ्ट साइड प्रोफाइल की। लेफ्ट साइड प्रोफाइल भी जैसे राइट साइड प्रोफाइल की बात करिए, पीछे बैक व्यू की बात करें, बिल्कुल आपको लेफ्ट साइड प्रोफाइल भी पूरी देख सकते हैं लास्ट से शुरू तक पूरी अच्छी मिलने वाली है। और साइड इंडिकेटर मिल जाएंगे आपको, देखिए ORM के साथ में, तो बहुत अच्छी कंडीशन मिलेगी आपको। यहाँ से देखिए लास्ट शुरू से लास्ट तक आपको ये ग्रिल का यूज़ किया गया हुआ है, तो गाड़ी दिखने में बहुत खूबसुंदर है और अच्छी है। चलो हमने बहुत वर्कआउट कर ली गाड़ी की, आप सीधे कहाँ पहुँचेंगे? केबिन रूम में। और सबसे पहले बैठा हूँ सीट बहुत कंफर्टेबल मिलने वाली है। और सबसे खास बात है इसमें मेमोरी सीट होती है ना, जैसे आप बैठे जैसे आपने एक दो पे आप सेट करके रखी, जैसे आप कोई बैठता है दूसरा भी गाड़ी में और आपको वापस आपकी जो सीटिंग आपने एडजस्ट कर रखी है तो उसको करना है, तो बस वो नंबर दबा दीजिए अपने आप से, ऑटोमेटिक है, अपने आप ही नंबर दबा के आप अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके क्या क्या मिलने वाला है, इंटीरियर फीचर्स देखते हैं, बहुत सारे मिलने वाले हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए देखिए इसका बीच का यूज़ कराया गया है, बीच और ब्लैक में देखिए डैशबोर्ड बहुत बड़ा लग रहा है। और इसका आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें सेफ्टी फीचर में इसमें एयरबैग्स बहुत सारे देखिए, कितने देखे बात हम, एक नहीं दो नहीं छः एयरबैग्स मिलने वाले हैं इसके, यानी सेफ्टी की बहुत ख्याल रखा है इसको। अपने आप में जाना जाता है ग्लोबल एनकेबी 5 स्टार मिलनी है तो गाड़ी में सेफ्टी तो मिलना ही है आपको जो है। और सबसे खास बात एक और चीज़ है, तो पहले इतने सारे फीचर में स्टार्ट कहाँ से करूँ मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा, तो पहले बात करेंगे एक चीज़ की, देखिए समझे? यस, मैं बात करूँ सनरूफ की, आपको इसमें सनरूफ भी मिलने वाला है। यस, 14 मॉडल है ये, 15 की बजाय सनरूफ भी मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे स्टीयरिंग माउंट। स्टीयरिंग माउंट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, इसमें वॉइस कमांड मिल जाएगा, फ़ोन यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ से आपको कंपनी कुछ भी आप ऑपरेट करना यहाँ से कर सकते हैं। और सामने देखते हैं डीजे यहाँ पे दिया रखा है, डिजिटल एनालॉग मीटर देख रखा हुआ है। इसमें गाड़ी चली है ओनली कितनी 76,000 किलोमीटर चली है। और साथ में देख सकते हैं आपके हाइट के हिसाब से आपको इसका स्टीयरिंग को ऊपर नीचे टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, तो हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। देखिए तो मैंने अपने हाइट के हिसाब से कर रखा हुआ है, तो कंफर्टेबल आपको लंबी जर्नी हो तो स्टीयरिंग भी बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आपको चलने के लिए से। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इसमें आपको क्या इन्फोटेनमेंट सिस्टम क्या क्या मिलने वाला है। ये देखते हैं कंबाइंड फीडर म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है, ये टच स्क्रीन है, यहाँ से अपने से ऑपरेट कर सकते हैं इसके अंदर। और आगे बढ़ते देखेंगे इसमें आपको एसी मिलना है, ये क्लाइमेट ऑटो एसी देख कंट्रोल के हिसाब से देखे रखा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे इसमें मीडिया कर सकते हैं। और सबसे खास बात एक देखने वाली है, कौन सा DSG गियर बॉक्स मिलना है। यस, ये ऑटोमेटिक है, इसमें DSG गियर बॉक्स मिलने वाला है आपको इसमें, तो गाड़ी कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें स्पेस की बात करेंगे आपको बहुत स्पेस मिलने वाला है, साइड में देखते हैं ग्लास फोल्ड भी देखे रखे हुए हैं, यहाँ रख सकते हैं बॉटल रख सकते हैं, यहाँ पे ग्लोव बॉक्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको चिलर भी मिल जाएगा यहाँ पे इसमें हम सकते हैं। यहाँ से मल्टीमीडिया का एक फंक्शन देखे रखा है, आपने देखा नहीं होगा बहुत से इस गाड़ी में देखे रखा है, यहाँ से आप ऑपरेट करते हैं SD कार्ड लगा के यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं इसको आप।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी फ्रंट की, अब पीछे बात करेंगे बैक सीट की। पहुंच चुका हूँ पीछे बैक सीट पे। अब जैसे लेग रूम हेड रूम की बात करेंगे, बहुत कंफर्टेबल मिलने वाला लेग रूम देख लिए यहाँ से, वो डिस्टेंस बहुत अच्छा मिल रहा है। और हेड रूम की बात करें बहुत कम्फर्ट, मैं कम्फर्ट लॉन्ग जर्नी पर जाना है, आराम से आप तीन लोग बैठ कर लंबी जर्नी पर जा सकते हैं। और पीछे भी जो बैठता है गर्मी कुछ नहीं है, यहाँ इस पीछे भी एक वेंट देखे रखे एसी के, तो यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने एसी वेंट के। वहाँ पे कंफर्टेबल, यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ सामान रखना, हमें छोटा सा चिलर रखने हैं तो यहाँ रख सकते हैं। और सबसे यहाँ देखिए हैंड रेस्ट देखे रखा हुआ है, या कम्फर्टेबल अपने रखना है, गिलास यहाँ रखना है, तो हम आराम से लंबी जर्नी में जा सकते हैं। और सबसे खास फीचर एक और है इसमें, कौन सा बताऊँ, चलो बताता हूँ। पहले ये देखिए, यहाँ से आपको पीछे डिक्की की, आपको ये देखिए यहाँ से पीछे से डिक्की को सामान निकालना है, यहाँ से सीधे यहाँ से भी इंटरेस्ट कर सकते हैं आप इसमें। और सबसे खास बात है ये 2014 मॉडल है, इसमें फाइनेंस भी इजी लेवल है। फाइनेंस चाहे तो आपको जैसे आपके प्रोफाइल के साथ बहुत अच्छा अच्छा फाइनेंस आपको इजीली अवेलेबल है। आप एमपी के अंदर कहीं भी बोलिए या पैन इंडिया में कहीं बोलिए, हम इस पर लोन आपको इजीली अवेलेबल कराएंगे। श्री मोटर्स जानते हैं शुरू से अच्छी गाड़ी रखता है और अच्छी बेचते ही आ रहा है, यानी गाड़ी लेके आपको कुछ भी नहीं कराना है, टेंशन फ्री गाड़ी है आपको, टायर से लेके सर्विस से लेके ऑयल से लेके कुछ भी नहीं कराना है। तो इसलिए आप बने रहिए श्री मोटर्स, श्री मोटर रोज़ नए नए वीडियो लेके आता है। और नए वीडियो जो जुड़ रहे हैं जिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि श्री मोटर हो सकता है जो गाड़ी सर्च कर रहे हो आपको नेक्स्ट डे वीडियो में मिल जाए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने बात कर लिए अंदर की, अब सीधे का की बात करेंगे प्राइस की। या ये गाड़ी है 2014 मॉडल है, फास्ट होना गाड़ी है, डीजल वेरिएंट है और चली है मात्र 78,000 किलोमीटर। कितने चली है 70, और फीचर के बारे में बता दिया है, बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। और प्राइस की बात करूँ मात्र मिलेगी 9,50,000 में। यस, ये लग्जरी गाड़ी आपको जो इतने सारे फीचर मिले उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कितने, बहुत सारे, यानी 40-50 लाख खर्च करने के बाद फिर आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं, पर हम आपको दे देंगे मात्र 9,50,000 में। और कहाँ मिलेगी, या श्री मोटर्स। आप जानते हैं श्री मोटर्स की हमारी रेटिंग क्या है, 4.9 की गूगल में रेटिंग देखते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल देखिए आप रोज़ देख रहे हैं और रोज़ नई नई गाड़ी आ रही है। तो आप जैसे व्यूअर के कारण हम लोग यहाँ इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो बने रहिए श्री मोटर्स का। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।